राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण के अंत का सपना देखती हैं और तभी उठ के कहती हैं कृष्ण, और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या हुआ राधा, तुम ठीक हो राधा? और तभी राधा कहती हैं कृष्ण, मैंने तुम्हारी मृत्यु का दो स्वप्न देखा। और कहती हैं देखो, प्रातः का समय और ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है कृष्ण। और तभी कृष्ण जी कहते हैं शांत हो जाओ राधा, और कहते हैं ये सब विचार त्याग दो राधे, ये स्वप्न भविष्य के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए नहीं। और कहते हैं देखो, हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं और अंत अवश्य संभावी है। और कहते हैं कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करके साथ में चलेंगे। और तभी राधा कहती है नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे अंत के साथ साथ नहीं चल सकती। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं हर आरंभ का अंत निश्चित है। और फिर राधा कहती है हाँ कृष्ण, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं और कोई विकल्प नहीं है राधा। और फिर राधा कहती है कोई ना कोई विकल्प अवश्य होगा, मैं ढूंढ के रहूंगी कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं अंत का कोई विकल्प नहीं होता राधे। और फिर राधा कहती है ऐसा मत कहो कृष्ण, तुम्हारे अंत से कठिन मेरे लिए और कुछ नहीं है। और फिर आगे राधा कहती है ठीक है, जो तुम कह रहे हो उसे करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगी, किंतु अंतिम बार ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो दो स्वप्न को मुझसे हर ले, क्योंकि यदि दो स्वप्न मेरे साथ चलेगा कृष्ण तो मैं कदापि नहीं चल पाऊंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी माता देवकी के समक्ष जाते हैं और माता देवकी निद्रा में होती हैं और तभी जग जाती हैं और कहती हैं यदि माँ के नेत्र बंद भी हो ना तो भी उसे अपने पुत्र की उपस्थिति ज्ञात हो जाती है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं बस आपकी निद्रा भंग नहीं करना चाहता था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं माता देवकी से, सुना है माता की सेवा करने से मन निर्मल हो जाता है, तो सोचा आज थोड़ी आपकी सेवा ही कर लूं। और फिर माता देवकी कहती हैं कृष्ण, तुम्हारे हृदय की निर्मलता तो सबको ज्ञात है। और कहती हैं किंतु आज तुम्हारे मुख की निंद्रा कुछ और ही ज्ञात कर रही है। और कहती हैं क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? और तभी माता देवकी कहती है पूछो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं माते, जब मैं रुष्ट होता था तो आप मुझे कैसे मनाती थी? और तभी माता देवकी कहती है कि तब मैं भी रुष्ट हो जाती थी। और कहती है किंतु जिससे हम प्रेम करते हैं उससे रुष्ट होना तो स्वाभाविक है, और प्रेम में रूठना, मनाना, डांटना, रोना ये सब सहज होता है और ये प्रेम का अधिकार है। तुम मुझसे रुष्ट होते थे तब मैं भी तुमसे रुष्ट हो जाया करती थी, किंतु ये अधिक समय के लिए नहीं होता था। और कहती हैं यदि तुम अधिक रुष्ट होते थे मैं खुद तुम्हें मनाने आ जाती थी, प्रेम ऐसा ही होता है कृष्ण। और फिर आगे माता देवकी कहती हैं मैं जानती हूँ कि राधा तुमसे रुष्ट है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बिना पढ़े ही आपने मेरी मन की चिंता पढ़ ली माते। और फिर देवकी माता कहती हैं एक माँ अपने पुत्र की चिंता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, किंतु कृष्ण तुम्हें राधा के रुष्ट होने पर तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं चिंतित तो मैं इसलिए भी हूँ कि राधा का जन्मदिवस आने वाला है, राधा अष्टमी आने वाली है माते, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने ही जन्मदिवस पर दुखी रहे या मुझसे किसी भी प्रकार से रुष्ट रहे। और फिर माता देवकी कहती हैं अच्छा ये बताओ कि राधा के जन्मदिवस के लिए क्या योजना है तुम्हारी? और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा के जन्मदिवस की योजना तो बनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि राधा के मन में कोई उत्साह ही नहीं है जन्मदिवस को लेके, ऐसे में मैं कुछ करने जाऊं और अनजाने में उसके हृदय को और आहत कर दूं, और ये मैं नहीं चाहता। और तभी माता देवकी कहती हैं और ये भ्रम तुम्हें क्यों आया? और बताती हैं ये भी तो हो सकता है ना कि राधा को अपना जन्मदिवस स्मरण ही ना रहा हो। देखो पुत्र, यदि राधा दुखी है तो उसका कारण भी तुम्हारा प्रेम है, इसलिए कोई योजना बनाओ, ऐसे हाथ में हाथ धरे मत बैठे रहो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं अवश्य योजना बनाऊंगा। और कहते हैं यदि मैं आपसे बात नहीं करता तो मुझे ये सब ज्ञात ही नहीं होता। और कहते हैं ये बात तो शत प्रतिशत सत्य है कि सच्चे मन से माँ के चरणों की सेवा करो तो
तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि मुझे एक भयावह स्वप्न आया, गोलोक की सारी गोपियाँ जो हैं वो द्वारका आ गई मेरे कक्ष में और आके सभी मेरी सेवा कर रही हैं। कोई मेरे लिए माखन ला रहा है तो कोई खीर ला रहा है और कोई मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बना के ला रहा है। और सबसे अधिक दुख की बात तो ये है कि मैं उस समय अत्यंत प्रसन्न हूँ और कहते हैं मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, ये कैसा भयावह स्वप्न है। और तभी राधा कहती किंतु ये स्वप्न भयावह कैसे हुआ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं भयावह तो हुआ ना ये राधे, मेरे पूर्ण स्वप्न में तुम थी ही नहीं। और तभी राधा कहती है क्या मैं स्वप्न में कहीं भी नहीं थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम कहीं नहीं थी और तुमने तो ठान लिया था तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी, अब देखो सब ऐसा ही हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण तुमने वो स्वप्न देखा जिसमें मैं नहीं थी, ये संकेत है कि मैं तुम्हारी स्मृति से निकल रही हूँ। कितनी शीघ्रता से तुमने मेरा स्थान अन्य गोपियों को दे दिया, किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे इस स्वप्न को पूर्ण करके ही रहूंगी। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, गोपियाँ तो है ना जो तुम्हें प्रेम दे सकती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्रत्युम कहते हैं शाम अचानक से तुम यदुवंशियों से भेंट करने जा रहे हो और अनुरुद्ध को भी साथ ले जा रहे हो। और तभी शाम कहता है हाँ भ्राता वहाँ जाना अत्यंत आवश्यक है और तो और उन्होंने विशेष रूप से निवेदन किया है मैं अनुरुद्ध को उनसे भेंट कराने के लिए लेकर आऊँ। और तभी कृष्ण जी आ जाते हैं और कहते हैं दाऊ आपको भी शाम और अनुरुद्ध के साथ जाना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कान्हा तुम उस कुटिल शाम के साथ मुझे भेज कर यहाँ आनंद के साथ तुम खेल खेल रहे हो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं खेल ही तो है दाऊ जो मुझे समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। और कहते हैं बहुत बड़ी योजना चल रही है, आप जाना क्यों नहीं चाहते मुझे सत्य सत्य बताइए। और तभी दाऊ कहते हैं कान्हा अब तक तुम्हारे और राधा के मध्य का द्वंद समाप्त नहीं हुआ है, हो सकता है उसमें मेरी मध्यस्थता की आवश्यकता पड़े, एक मैं ही तो हूँ जिससे राधा अपने मन की प्रत्येक बात बता सकती है। और यदि मैं शाम के साथ बाहर चला गया तो और उस बीच राधा को मेरी आवश्यकता पड़ी तो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं बस इतनी सी बात है ना, चिंता मत करो सब ठीक होगा, मैंने सब सोच लिया है। और तभी दाऊ कहते हैं अर्थात शीघ्र ही राधा तुमसे पुनः प्रेम करने लगेगी। और तभी कृष्ण जी कहते हैं हाँ हाँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं तो मुझे भी बताओ क्या समाधान निकाला है तुमने। और फिर कृष्ण जी कहते हैं आप भी तो इस समाधान का एक भाग हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।